महाराष्ट्र से बंधक मजदूरों को छुड़ाया। मजदूरी के लिए गए मजदूर महाराष्ट्र में पूना जिले के भांड गांव गए थे, जहां से उन्हें गन्ने की कटाई के लिए ठेकेदार द्वारा ले जाया गया था। साथ ही 24 मजदूरों को बंधक बनाकर रख लिया गया। इनमें से दो बंधक महिलाओं मजदूरों के साथ दुष्कर्म भी किया गया। पीड़ित मजदूर शिकायत करने बड़वानी के एसपी के पास पहुंचे। एडिशनल एसपी ने वरला पुलिस को दिए थे निर्देश, जिसके बाद मजदूरों की रिहाई संभव हो सकी। ठेकेदार पर मानव तस्करी, बंधक बनाने व दुष्कर्म का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोग आगे आयो, पीछे से इधर साहब, इधर साहब आप लोग उधर ही कर लो। सर भाण ये भाण गाँव करके इधर इंदापुर को गए थे सर, उधर इंदा ये तहसील सिरपुर का आबा करके था, उधर इधर आया था, वो इधर लेके गया, वो मेन मुकदम वही था, वो लेके गया उधर हमारों को। और वहाँ पर क्या हुआ सर, जैसे गन्ने काटने के लिए सुबह सुबह तीन चार बजे उठाते, वो उठ के फिर सुबह जल्दी जाना पड़ता, बाया खाना बना के लेके आती है, बाया खाना बनाती तो उनके यहाँ के लोग भगाते हैं, वो बैठते हैं तमाशा देखते, लेडीज़ क्या कर रही है क्या नहीं, दारू पी के आते हैं वो। फिर सर उधर गन्ने काटते हैं, दिन भर गन्ने काटते हैं, फिर शाम को टाइम हो जाता है ट्रैक्टर भरते सर, दो ट्रैक्टर भरते भरते 9-10-11 बजे जाती है सर। फिर एक दिन क्या हुआ सर, हम बोले टाइम हो गया, छोटे बच्चे हैं अभी सो गए, कल सुबह भरेंगे। तो गणपत क्या बोलने लगा, आज नहीं सुबह नहीं, अभी भर के दो सर। तो हमने नहीं मना किया तो सर वो मारपीट की सर, सभी से मारपीट की सर। तो हम दोनों इसको भी मारा और मेरे को भी मारा सर, इधर उधर खींच के ले गए सर हमको, हाँ उनका आदमी। कितने दिनों से बंधक बना के रखा सर? ये बंधक हमारे को 1 महीना हो गया सर। कैसे छूटे गए सर? ये लोग भाग गए, अधिकारी हम गए, फिर हमको बचा के लाया सर इधर। इनको किसने सूचना दी थी सर? इनको हम ये चुनाव के बारे में बताए पिताजी उनको, फिर वो उनसे पूछताछ की सर, तो आने से मना कर दिया सर उन्होंने। फिर इन्होंने हाँ नहीं जा सकते, फिर पिताजी ने इनसे कंप्लेंट लिखवाया, फिर ये इन लोगों ने आया, फिर हमारे पास गए, फिर हमको लेके आए। किस तरीके की शिकायत प्राप्त हुई आपको? अभी एक एनजीओ आया था, वरला थाने में शिकायत करी थी कि महाराष्ट्र के इंद्रापुर थाना क्षेत्र में कुछ वरला क्षेत्र के लोग हैं, उनको बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही है। महाराष्ट्र में उन एनजीओ के साथ में हमारा एक हेड साहब रवाना किया गया था, वहाँ पर ये बात सत्य पाई गई और कुछ कुल मिला के 24 ऐसे मजदूर मिले जो वहाँ पर बंधक के रूप में काम कर रहे थे, जिनको वहाँ से छुड़ा कर लाया गया है। उनका विधिवत रूप से जब इन्वेस्टिगेशन में आगे बयान लिए गए तो उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति उन्हें मजदूरी के बहाने वहाँ पर ले गया, बीच में दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कमीशन पे इनको तीसरे व्यक्ति को काम पर दे दिया, एक तरह से खरीदने बेचने की बात आ गई, कमीशनबाजी की बात आ गई। ये मानव व्यापार वाली बात है और इसी के आधार पर अभी वरला थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, धारा 363, 366, 370 का। और इसमें इन्हीं मजदूरों में से एक महिला का ऐसे कहना कि एक व्यक्ति ने उनके साथ दुष्कर्म भी किया, तो एक FIR दुष्कर्म की भी लॉज की जा रही थाना वरला में, जीरो पर कायम कर संबंधित थाना जो इंद्रापुर थाना है महाराष्ट्र में कार्रवाई के लिए भेजी जा रही। आरोपी उसमें दो तो जो बीच वाले आदमी, एक ले जाने वाला, एक फिर दूसरे को हैंडओवर किया वो, और तीसरा जिसने किया है बुरा दुष्कर्म, ऐसे तीन तो अभी प्राथमिक रूप से सामने आ रहे हैं और विवेचना में आगे, और वहाँ केंद्रा पुलिस देखेगी इनके स्टेटमेंट का से कि और भी इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति हैं, तो बढ़ने आरोपी और भी संख्या बढ़ सकती है। महाराष्ट्र पुलिस के पास एनजीओ गया था, उन्होंने रिकवरी में मदद की है, बट वहाँ स्थानीय स्तर पर इनका ऐसा कहना था कि मजदूर काफ़ी दबाव में थे और वहाँ पर जो भी संबंधित व्यक्ति थे उनके द्वारा ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली, इस कारण से वहाँ ये लोग खुलकर कोई बात कह नहीं पाए, इसी कारण से यहाँ आकर स्वतंत्र रूप से पूरा कथन किया है। तो जो कथन किए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर महाराष्ट्र पुलिस को कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।